नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कहावत सुना होगा, दुश्मन से हमेशा सतर्क होना चाहिए, कभी भी उससे हाथ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी आप पे पलटवार कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है और आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, हम लोगों ने बड़ा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया और चाइना का एक कंपनी है उससे बड़ा प्यार किया, जिस कंपनी का चाइना में कोई औकात नहीं था, चाइना में जीरो वैल्यू था। दोस्तों 2013 में एक कंपनी बना जिसका नाम था रेडमी, यानी कि सोमी। दोस्तों उस कंपनी का चाइना में कोई अस्तित्व नहीं था, उस कंपनी को हम लोग भारत ने प्यार दिया। और बड़ी बात तो यह है कि अपने कंपनी यानी कि इंडियन ब्रांड को हम लोग लात मार के चाइनीज कंपनी को यहाँ पे स्वागत किया, और दोस्तों उसी कंपनी भारत को बड़ा धोखा दे दिया है। बड़ी बात तो यह है कि कम्युनिस्ट सरकार चाइना को बड़ा फायदा पहुँचाया है और दोस्तों भारतवासियों का दिल तोड़ कर रख दिया है। दोस्तों आप पूछें कि सोमी ने ऐसा क्या किया है। दोस्तों जो काम आज तक चाइना की हुआवे कंपनी ने कर पाया, जो काम चाइना कोई भी कंपनी ने किया, वही काम सोमी ने कर दिखाया। इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए। और जो कोई भी आदमी सोमी का मोबाइल चलाता है, रेडमी यानी कि एमआई का मोबाइल चलाता है, वो अपना कान खड़ा कर ले। दोस्तों आमतौर पर मैं कभी भी किसी मोबाइल का रिव्यू नहीं करता हूँ, किसी मोबाइल का बुरा भी नहीं करता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं टेक चैनल मैंने बनाया हूँ, यानी कि टेक चैनल जो बनाता है, जो टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है, वही मोबाइल का रिव्यू करता है, मोबाइल के बारे में बताता है। दोस्तों मेरा कोई मोबाइल कंपनी से लेना देना नहीं था, लेकिन मजबूरी में दोस्तों मैं बना रहा हूँ, क्योंकि ये देश की बात है और देश के लिए मैं कोई वीडियो बना सकता हूँ, चाहे कोई भी कंपनी रहे या कुछ भी रहे, दोस्तों मैं छोड़ने वाला तो हूँ नहीं। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार सोमी ने क्या कर दिया। दोस्तों आप लोग आज के बाद सोमी का फ़ोन फेंकिए, आप लोग सुरक्षित नहीं हैं, आप लोग सेफ नहीं हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार चाइना कंपनी ने क्या किया है। दोस्तों आप जानते हैं सोमी 2013 में बना, चीन में सको औकात नहीं था, लेकिन भारत में आया। दोस्तों आप जानते हैं उस समय भारत में लावा हो गया, मैक्रोमैक्स हो गया, दोस्तों इन सब का स्पाइस हो गया, इन सब के अलावा सैमसंग हो गया, नोकिया आ गया, दोस्तों बहुत सारे कंपनी भारत में अपना धमाल मचा रहा था, खासतौर पर सैमसंग और दोस्तों मैक्रोमैक्स लावा खासतौर पर दोस्तों धमाल मचा रहा था, करवन जैसा मोबाइल धमाल मचा रहा था, लेकिन यहाँ पे सोमी आया। और बड़ी बात तो यह है कि भारतीय कंपनी को दोस्तों जड़ से हिला दे, भारत से ख़त्म कर दिया, आप कह सकते कि भारतीय कंपनी को एक तरह से बंद करने पे मजबूर कर दिया। दोस्तों आज मैक्रोमैक्स दोस्तों आप देखेंगे तो शेयर बिल्कुल ही नीचे जा चुका है, इंडिया के मार्केट में मैक्रोमैक्स का शेयर बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। दोस्तों ये बात मान लीजिए, अभी नंबर वन पे जानते हैं आप सोमी चल रहा है, उसके बाद सैमसंग है, इन सब के अलावा दोस्तों बहुत सारे कंपनी हो गया, जैसे रियलमी हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, इन सब के अलावा एप्पल हो गया, दोस्तों बहुत सारे कंपनी भारत में बिक रहा है, वन प्लस हो गया, लेकिन अभी भी दोस्तों भारत में सबसे अधिक वर्चस्व किसका है, सोमी का है, रेडमी का है। रेडमी का फोन दोस्तों बच्चे बच्चे के हाथ में आपको मिल जाएगा, भारत में आप कहीं भी घूमेंगे तो देखेंगे बच्चे से लेकर बुजुर्ग किसी न किसी का दोस्तों आपको सोमी का फ़ोन दिख जाएगा। दोस्तों सोमी का फ़ोन बहुत बिकता है और हम लोग उससे प्यार भी करते हैं, लेकिन सोमी ने क्या किया, हम लोगों को धोखा दिया और कम्युनिस्ट पार्टी चाइना का साथ दिया। दोस्तों चाइना पे ऑलरेडी पहले आरोप लग चुका है, आप लोग जानते हैं जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति बना, तभी से डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे दुनिया को चेताया, बोला कि चाइना के तमाम टेक्नोलॉजी कंपनी से सावधान रहे, चाइना कोई भी टेक्नोलॉजी वाला कंपनी है जिसके पास खासतौर पर चिप बनाता हो, मोबाइल बनाता हो, उसे सावधान रहे, क्योंकि चाइना क्या करता है, पहले तो मार्केट में बिजनेस जमाता है, पैसा कमाता है, और बाद में आपका डेटा चुराता है, यानी कि आप ही का डेटा चुरा के आपके खिलाफ यूज करता है। मान लीजिए चाइना का हुआवे कंपनी है, वो क्या करता है, पूरे दुनिया में बिजनेस करता है, और बड़ी बात तो यह है कि उस देश का मोबाइल कंपनी का भी बर्बाद करता है, यानी कि मान लीजिए दोस्तों मोबाइल कंपनी मान लीजिए इंडिया में आया, तो क्या करता है, इंडिया में तो बिजनेस करेगा ही करेगा, यहाँ पे अपना स्टोर खोलेगा, बहुत कमाएगा, लेकिन साथ में यहाँ का जो स्वदेशी कंपनी है उसे नष्ट कर देगा, पैसा देकर बर्बाद कर देगा, और उस कंपनी को या तो खरीद लेता है या फिर उसे बर्बाद करके छोड़ता है। और बड़ी बात तो यह है कि बाद में पूरे मार्केट पर अपना राज एक कायम कर लेता है, यानी कि उस पर पूरा राज करता है, उसका पूरा अधिकार हो जाता है। दोस्तों यही बात डोनाल्ड ट्रंप 2016-17 से बोलते आ रहा है और बोल रहा है कि ये कंपनी इतना खतरनाक हो चुका है कि दुनिया के सारे लोगों का डेटा चुरा के चीन के कम्युनिस्ट पार्टी को देता है और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी उसके खिलाफ बड़े बड़े षड्यंत्र रचता है। दोस्तों आप जानते हैं वावे कंपनी का जो फाउंडर है, मालिक है, वो पहले चाइनीज आर्मी यानी कि चीन की आर्मी में काम कर चुका है, और दोस्तों ये कई बार पकड़ा जा चुका है कि हुआवे कंपनी सबका डेटा चुराता है और अमेरिका ने कई बार पकड़ा भी है। दोस्तों इसीलिए आज अमेरिका से लेकर जापान, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया, दोस्तों बहुत सारे कनाडा, दोस्तों बहुत सारे देश में आज हुआवे कंपनी बैन हो चुका है, क्योंकि दोस्तों हुआवे पे ऑलरेडी आरोप लग चुका है कि वो सबका डेटा चुराता है। अब दोस्तों यहाँ पे सोमी ने कुछ ऐसा किया है ना, जिस जान के आपका माता दोस्तों थनक जाएगा, बोले कि भाई सोमी ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि सोमी का फोन मेरे पास भी है, अब तो हम भी फंस गए। दोस्तों सोमी ने देश के साथ खिलवाड़ किया है और हमारे प्यारे भारत के साथ खिलवाड़ करने का कोशिश किया है, आप पूछें कि ऐसा क्या कर दिया है।
दोस्तों आप जानते हैं जो भी कंपनी मोबाइल बनाता है उसमें क्या होता है, उसका कुछ कुछ अपना अपना डिफ़ॉल्ट ऐप भी होता है, यानी कि कुछ कुछ ऐप अपना होता है, खासतौर पे उस कंपनी का प्ले स्टोर होता है, उस कंपनी का कैमरा होता है, उस कंपनी का गैलरी होता है, उस कंपनी का फोल्डर होता है। दोस्तों बहुत कुछ होता है, और बड़ी बात तो यह है कि बहुत सारे कंपनी क्या करता है, वेदर ऐप यानी कि मौसम विभाग की जानकारी के लिए अपना ऐप देता है, यानी कि जिसे मौसम विभाग की जानकारी कोई भी आदमी ले सके, मोबाइल से ही जान सके कि पटना में क्या टेम्परेचर है, दिल्ली में क्या टेम्परेचर है, कहाँ पानी होगा, कहाँ क्या होगा। दोस्तों इसीलिए सारे कंपनी वेदर ऐप देता है, और दोस्तों Xiaomi भी देता है वो जानते ही आप। लेकिन क्या हुआ है, Xiaomi के जो वेदर ऐप है यानी कि मौसम विभाग का ऐप है, उसमें क्या करिएगा आप सर्च कीजिएगा, बड़ी बात तो यह है दोस्तों भारत के तमाम लोकेशन को दिखाता है, चाहे आप कश्मीर का किसी भी क्षेत्र का कीजिए, या फिर दोस्तों आप पंजाब का कीजिए, आप दिल्ली का कीजिए, हरियाणा का कीजिए, दोस्तों हर जगह का कोई ना कोई लोकेशन आता है, बताता है कि वहाँ पे इतना टेम्परेचर है, मौसम विभाग ये है। लेकिन दोस्तों हमारे अरुणाचल प्रदेश के साथ अन्याय किया है, आप पूछेंगे क्या किया है, दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का वेदर दिखाई नहीं रहा, यानी कि आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे नो मैच फंड बताता है कि हमारे एप्लीकेशन में अरुणाचल प्रदेश नाम का कोई जगह है ही नहीं। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, आप बोलेंगे बड़ी बात क्या है, देखिए जो बात चाइना यानी कम्युनिस्ट सरकार यानी कि पिछले 70 साल से कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है, दोस्तों वही बात चाइना के जो Xiaomi कंपनी है वो कहने का प्रयास किया है, और इसी कारण दोस्तों Xiaomi कंपनी ने अरुणाचल प्रदेश को वेदर ऐप यानी कि मौसम विभाग के ऐप से बाहर निकाल दिया है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, Xiaomi जिस थाली में खाता है उसी में छेद किया है, जिस भारत से कमाता है उसी का नाम बदनाम करने का कोशिश किया है, उसी का अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, उसी भारत का उस प्रदेश को दिखाने से मना कर दिया है। आप कह सकते हैं कि Xiaomi ने अपना दादागिरी दिखाया है, और आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी चाइना का यहाँ पे दोस्तों हाथ साफ साफ दिख रहा है। आप कह सकते हैं कि जो बात ट्रंप कर रहा है, जो बात यूरोपियन यूनियन कर रहा है, जो बात ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, सबने कहा क्या कहा, सबने कहा कि चाइना की तमाम मोबाइल कंपनियाँ तमाम सब कुछ सबका खुफिया जानकारी लेता है, डेटा लेता है, और बाद में उसे कम्युनिस्ट सरकार को देता है, चाइना सरकार को देता है। दोस्तों ये बात सिद्ध हो गया, ये बात सिद्ध हो गया कि Xiaomi कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर काम कर रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी जो बोलता है वही करता है, और इसीलिए दोस्तों रेडमी ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया है। आप पूछें कि क्या ऐसा संभव है, दोस्तों आपका मजाक कर रहा हूँ क्या, आपके पास मोबाइल होगा Xiaomi का, आप चेक कर लीजिए, दुनिया के तमाम मोबाइल में दिख रहा है, आप चाहे एप्पल में चेक कीजिए वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का वेदर दिखा रहा है, मौसम दिखा रहा है, आप चाहे सैमसंग का यूज कीजिए वहाँ पे भी दिखा रहा है, आप चाहे नोकिया का यूज कीजिए, आप चाहे माइक्रोमैक्स का यूज कीजिए, आप किसी का यूज कीजिए, दोस्तों हर जगह दिखा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और वहाँ पे इतना टेम्परेचर है। लेकिन दोस्तों रेडमी का किसी फ़ोन में ये चीज़ दिखा नहीं रहा है, तो आप क्या कहेंगे, आप पूछेंगे कि तो भाई इसे क्या हो गया, रेडमी का फ़ोन दिखा दिया उसे क्या हो गया, कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, बूंद बूंद से सागर भरता है। पहली बात तो यह है कि जो चीज़ कम्युनिस्ट पार्टी कहता था वही बात अब Xiaomi के मालिक मान रहा है, यानी कि रेडमी कंपनी का मालिक मान रहा है। दोस्तों एग्जांपल के तौर बताता हूँ, मान लीजिए आज से कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले दोस्तों भारत सरकार ने POK का वेदर देखना शुरू कर दिया, खासतौर पर गिलगित बल्तिस्तान का मौसम विभाग का जानकारी देना शुरू कर दिया, दोस्तों पूरे पाकिस्तान भर का मच गया, पूरे पाकिस्तान में भूचाल लग गया, जगह जगह भारत का विरोध हो रहा था, और बड़ी बात तो यह है कि चाइना ने उसका पूरा साथ दिया, बोला कि भारत ये क्या कर रहा है। दोस्तों पाकिस्तान के लोग भारत से बोला था कि भारत ये गलत कर रहा है, POK मेरा है, दोस्तों इस तरह का नौटंकबाजी कर रहा था। आप कह सकते हैं कि केवल वेदर दिखाने से पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में हरकंप मच गया, और यहाँ तो हमारा एक स्टेट है पूरा अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों हम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और अरुणाचल प्रदेश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे Xiaomi हो या फिर Realme हो या फिर ओप्पो वीवो हो, सबको बहिष्कार भी कर सकते हैं। दोस्तों जिस प्रकार हम लोग रेडमी को सर पे बैठा के रखे हैं, उसी प्रकार उसे लतारने का समय आ चुका है, उसे धक्का मार के भगाने का समय आ चुका है, अब आप लोग के हाथ में है। आप लोग चाहते हैं रेडमी कंपनी भारत में रहे और भारत का अपमान करे, तो ठीक है दोस्तों, आप लोग चाहते हैं कि रेडमी ने गलती किया है, तो दोस्तों आप लोग आने वाले समय में ट्विटर पर ट्रेंड करवाइए कि बायकॉट रेडमी होना चाहिए, बायकॉट रेडमी होना चाहिए, रेडमी गद्दार है, देसी भगवा, दोस्तों इस तरह का आप लोग ट्रेंड करवाइए और रेडमी कंपनी को सबक सिखाइए, नहीं तो आने वाले समय में कोई भी कंपनी आके कुछ भी लिख देगा, बोल देगा कि ये हिस्सा भारत का नहीं है, POK नहीं है, तो क्या करेगा दोस्तों, आज रेडमी कर रहा है, कल कोई और करेगा, परसों कोई और करेगा, ऐसे क्या होगा, पूरे देश में दोस्तों जगह जगह देखेंगे तो कोई मोबाइल कुछ दिखा रहा है, कोई मोबाइल कुछ दिखा रहा है, और अखंड भारत दोस्तों प्रश्न खड़ा होगा। इसीलिए अभी समय है, रेडमी वैसे भी चाइनीज कंपनी है, सबक सिखाना जरूरी है, जिस प्रकार हमारे सैनिक गलवान घाटी में चीन के 40 से 50 सैनिक को मार दिया था, उसी प्रकार अब हम चीन के तमाम मोबाइल कंपनी को उखाड़ फेंकेंगे, सबसे पहला नंबर रेडमी का ही होगा।